हे गाइस, कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे। आज को आपके लिए एक और वीडियो लेकर आज हम फिर एक बार खेलने जा रहे हैं क्रॉटल 2। तो भाई पिछली बार हमने मतलब थोड़ा बहुत मैप तो कंप्लीट कर दिया था, काफ़ी बड़ी मिस्ट्री है तो भाई हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला इसको सॉल्व करने में। तो भाई आज हम मतलब आगे का मिस्ट्री सॉल्व करने वाले। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो वो देख लो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड भाई अभी चलते आज का मतलब हमारा काम कंप्लीट करने। वैसे यार पिछली बार हमको काफ़ी ज़्यादा जंप्स मिले थे इस मैप में, बस आई होप कि आज हमको उस तरह से जंप्स ना मिले। चलो भाई वापस एक बार मैं वहाँ पर आ चुका हूँ जहाँ से हमने पिछली बार छोड़ा था। एंड भाई यहाँ पे अभी हमको मतलब वो मिस्ट्री सॉल्व करनी, मतलब हमको एक मिल चुका है एक्टिवेटर, पर अभी उसको उससे एक्टिवेट क्या करने के लिए पता नहीं। एंड भाई पिछले बार आपको पता होगा कि यहाँ पे एक मतलब खतरनाक सा ज़ॉम्बी हेड था जिससे डर गया था मैं। अभी के लिए हमारे सर एक एक्टिवेटर जिसका मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या यूज़ है। मतलब ये एक्टिवेटर तो भाई किसी मतलब चीज़ के लिए एक्टिवेट करने के काम आएगा, पर ये कहीं पे प्लेस नहीं हो रहा कुछ चीज़ के लिए एक्टिवेट करने, वो भी हमको समझ नहीं आ रहा। तो हमको काफ़ी ढूंढना ढांडी करनी पड़ रही है अभी। एंड भाई यहाँ पे मतलब मैं हर जगह आके ट्राई कर रहा हूँ कहीं पे तो प्लेस हो जाए, या तो हमें कुछ अच्छी खासी चीज़ मिल जाए। मतलब हर जगह पे हम यहाँ पे कर रहे कि कहीं कुछ खुल जाए एंड भाई वहाँ पे हमको कुछ चीज़ मिल जाए, या तो यार कहीं पे प्लेस हो जाए भाई, यार वरना आगे का हमको इसे सॉल्व करने की समझ नहीं आ रहा। काफ़ी यार टाइम हो चुका है हमको घूमते हुए। एंड भाई यहाँ पे इधर खुल भी नहीं सकते ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे एक एक्टिवेटर तो क्या एक्टिवेट करना है बस से। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सस्पिशियस प्लेस तो यहाँ पे है कि भाई यहीं पे प्लेस होगा, पर ये पे हो भी नहीं रहा। यहाँ पे हमको इसके दूसरी साइड जाना है, पर यार ये समझ नहीं आ रहा यार। चलो अभी कुछ तो मतलब हमको मिस हो रहा है हमसे, जो कि हमको मिल नहीं रहा। एंड भाई उसको हमें अपने ढूंढना पड़ेगा। चलो भाई कुछ काफ़ी ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। ओके वैसे काफ़ी सारे दरवाजे हैं जो कि खुल रहे, पर ये कुछ दरवाजे खुल नहीं रहे, तो इसके ऊपर यहाँ पे शायद से गोली मारेंगे तो यहाँ पे ये टूट वूट सकते हैं। तो देखते हैं ट्राई करके, पर ये नहीं हो रहा है कुछ भी। यार क्या भाई, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई नहीं। चलो इसके ऊपर नहीं भाई, कुछ नहीं यार। क्या भाई कैसे ये बदतमीजी है। यहाँ पे मतलब हम अलग अलग रूम के अंदर तो जा रहे हैं, पर यहाँ पे हमको कुछ मिल नहीं रहा। एंड भाई यहाँ से बुलेट उठा लेते थोड़ी बहुत। वैसे यार मैंने हर एक रूम में जाके चेक कर लिया है बार बार दोबारा कि कहीं कुछ मिस नहीं कर रहा, पर कुछ भी नहीं यार। यहाँ पे एक ट्रैप डोर है, यहाँ से अंदर चलते। शायद से मैं गया था या नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा पिछली बार, पर कोई नहीं, एक बार फिर एक बार ढूंढते भी शायद से मैं गया था यार। मतलब बार बार वहीं पर आ रहा हूँ पर कुछ मिल नहीं रहा। ओए ओए कुछ तो मिला, कुछ तो मिला भाई। एक्सप्लोजिव कैंडल प्लेस ऑन टी टारगेट। ओके भाई चलो कुछ तो मिला भाई। अबे यार मतलब शायद से एक्सप्लोजिव है। एंड हमारा ये जो क्या है हमारे पास अभी था, हाँ एक्टिवेटर, वो एक्सप्लोजिव के ऊपर प्लेस करना है। हाँ भाई वो बुक के ऊपर बीच में तो लिखा था यार पिछली बार, मतलब इसके ऊपर अभी एक शायद से बाद में बुलेट शूट करनी पड़ती है जिसको इसको एक्टिवेट करने के लिए। तो भाई शायद से अभी यहाँ पे वो जो डोर था ना वहाँ पे हमें कोई प्लेस होने वाला है। मतलब अब जाके समझ आ रहा है कि हम इसने क्या करने के लिए बोला था हमें। एंड भाई हम सबसे पागल की तरफ वो एक्टिवेटर कहीं पे लगाने की कोशिश कर रहे थे। चलो भाई अभी चलना है उसको हम एलिवेटर की तरफ। तो हम ऑलमोस्ट ऐसे ऐसे पहुंच ही चुके हैं, तो लेट्स गो। यहाँ पे हम आने वाले ऑलमोस्ट। हाँ वही वही वो चार नहीं यार, अब कोई और ही है। ओके भाई यहाँ पे हम आ चुके हैं। एंड भाई लेट्स गो भाई, यहाँ पे प्लेस हो चुका है यहाँ पे एक्सप्लोजिव। एंड भाई अभी एक्टिवेटर शायद से इसके ऊपर प्लेस होगा, लेट्स गो। अभी इसके ऊपर एक बुलेट मारनी है, तो यहाँ पे एक बुलेट मार के भागना पड़ेगा क्योंकि अभी ये फटने वाला है बहुत जोर से ऐसे। लेट्स गो भाई फाइनली। चलो भाई कब से मतलब यहाँ पे भटक रहे थे हम, क्या करना है क्या करना है। वैसे अभी चलो एटलीस्ट यहाँ पे मतलब ये फट चुका है, हाँ जाके हम आगे और कुछ काफ़ी सारी चीज़ें कर पाएंगे। फिलहाल के लिए यार मतलब अभी धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्रॉट 2 का रास्ता शायद से खुल चुका है, एलिवेटर है यहाँ पे एक। एंड भाई यहाँ पे मतलब अभी जाके थोड़ा सा और ज़्यादा खतरा बढ़ने वाला है हमारे लिए। एंड भाई यहाँ पे बंद हो चुके, शायद से हम नीचे जा रहे हैं। वैसे यहाँ पे एकदम चिल म्यूजिक बज रहा है एकदम बढ़िया तरीके से, तो यहाँ पे इसके ऊपर हम वाइप कर सकते हैं। तो अभी के लिए मतलब हमारा डर शायद से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई हम भी मतलब ज़्यादा डरेंगे नहीं। एंड वैसे म्यूजिक बढ़िया है जिसके ऊपर हम वाइप कर रहे हैं यहाँ पे चिक चिक एकदम। ओ भाई कहीं पे तो हम आ चुके हैं शायद से यहाँ पे। ओ भाई सामने का दरवाजा भी खुल चुका है। एंड भाई अभी आगे बढ़ना है हमें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी चेस्ट है। यहाँ पे ग्लो स्टिक से शायद से मतलब टॉर्च हमारी बंद बंद पड़ गई, तो इसका हमको यूज़ आएगा। पर हम चलो तीन तीन दिए हमको हमने बढ़िया तरीके से। एंड भाई अभी शायद से सामने की तरफ आगे बढ़ना है हमें। ओके भाई बहुत रास्ते इधर। एंड भाई आगे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी है तो डर भी लग रहा है, पर कोई नहीं, डर के आगे जीत है, हमें आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। एंड भाई चलो अभी चलते धीरे धीरे करके।
हम आ चुके फिलहाल के लिए पावर प्लांट में एंड भाई क्लोज आई शुड ओपन दैट गेट। ओके भाई तो ये भी क्लोज है एंड इसको भी हमको कुछ भी करके ओपन करना है। अबे यार मतलब इसके लिए भी कुछ चाहिए होगा तो भाई यहाँ, अरे यार ये ओपन है, सिक्योरिटी रूम है ये। एंड भाई यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे मतलब ये कुछ है भाई, टीवी ऑन है। इधर बिजली कहाँ से आती है भाई टीवी के लिए, पता नहीं। चलो सिग्नल तो नहीं आ रहा क्योंकि इनमें कुछ दिख नहीं रहा। चलो अभी के लिए फिलहाल के लिए यहाँ पे देखते हैं। अभी ये क्या है भाई, चलो अजीब, अरे ये दरवाजा खुल गया एंड इधर भी कुछ हो सकता है, देखते हैं भाई। ओके कुछ तो है भाई यार, पोषण और फीलिंग भाई कहाँ कहाँ के है, मतलब छुपा के रखी इन लोगों ने, समझ नहीं आ रहा। छोड़ो हमें क्या करना है, हमें तो भाई मतलब काफ़ी सारी अभी वो गेट वगैरह खोलने के लिए चीज़ें ढूंढनी है। फिलहाल के लिए एक एक नया नया गेट खुलता जा रहा है। इधर क्या है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड स्क्रीन फ्लैश फ्लैश हो ही जा रही है भाई बार बार, अजीब सी, जो कि बहुत दिमाग ख़राब कर रही है। एंड भाई अभी के लिए तो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पर जाना, क्योंकि अभी तक हमने काफ़ी रूम ओपन कर लिए हैं पर किसी भी रूम में ऐसा नहीं था कि मतलब उस वो डोर खोल सके। ये देखो भाई इन्होंने क्या क्या बना रखे है, मतलब क्या क्या चीज़ें है, समझ नहीं आ रहा, जो कि हमको दिमाग ख़राब कर देने वाली लग रही है। एंड एक सेकेंड भाई, ये सामने देखो भाई, ये गोलेम से भाई, ये कैसे गोलेम से, हेलो। एंड भाई ये तो चल रहा है, हेलो, ये तो जिंदा भी है पर इसको लग नहीं रही भाई। ये क्या, दिस रोबोट लुक्स सस्पिशियस। यार यार सस्पिशियस तो बहुत ज़्यादा यार, भाई मार ना दे मेरे को बाहर आके। ये क्या भाई इधर, ओ भाई यहाँ पे पावर प्लांट का कंट्रोल, शायद से पावर प्लांट अभी अनलॉक हो चुका है एक। ओके पैसेज टू पावर प्लांट शुड बी अनलॉक फॉर नाउ। ओके चलो हमने ऐसा सोचा था, हो गया। पावर प्लांट का डोर अभी हमको खुल चुका है, एक्सेसिबल है। एंड भाई वहाँ तो अंदर हम जा सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। ये तो भाई स्टोरेज है, यहाँ पे अंदर थे हम शायद से नहीं गए। एंड इधर कुछ लिखा है, लुक्स लाइक द सी वायर्स हैजंट गॉटन टू अस येट बट आई विल टर्न ऑफ द रोबोट जस्ट इन केस यू नेवर नो टू डू दिस। आई हैव टू टर्न ऑफ द डोर दैट लीडिंग टू द पावर प्लांट इन केस दिस मॉन्स्टर्स कम आर्म योर सेल्फ विद स्पेशल बुलेट्स बट दिस बुलेट्स आर ओनली कैपेबल ऑफ स्लोइंग डाउन दिस क्रिएचर्स। ओके सबसे पहले अभी ये सवाल आता है कि सी वायरस क्या है, मतलब सी वायरस कोरोना वायरस तो नहीं है। एंड भाई मतलब हमको जो बुलेट्स मिलने वाली है वो सिर्फ क्रिएचर्स को स्लो डाउन कर सकते हैं, बट वो क्रिएचर्स क्या है पता नहीं। एंड जो रोबोट्स की बात कर रहे हैं वो ऑफ है जस्ट, मतलब पता नहीं अभी। एंड भाई उन्होंने कहा था कि अभी वो जो हमने क्या किया, हाँ पावर प्लांट के अंदर मत जाना, डोंट ओपन इट। अब पता नहीं मेरे को तो जाना पड़ेगा जहाँ तक लग रहा है, बिकॉज यार उसके अंदर ही काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं मिस्टीरियस, जो कि हमको सॉल्व करनी है। बट अभी देखना पड़ेगा बिकॉज यार मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि समझ नहीं आ रही यहाँ पे, पर कोई नहीं हमको सॉल्व तो करना पड़ेगा। ये देखो इन रोबोट की बात हो रही थी जो कि उन्होंने टर्न ऑफ कर रखी है, बट यार मतलब एक रोबोट तो ऑन है। एंड भाई मतलब ऐसे ही अगर और भी ऑन हो सकते हैं, वो घूम फिर रहे होंगे इधर उधर तो मेरे को मार भी सकते शायद से, तो वो दिक्कत वाली बात हो रही हो सकती है हमारे लिए। ओके चलो पावर प्लांट का डोर हमने खोल दिया था। एंड भाई यहाँ पे ये ओपन है। एंड भाई ये क्या है भाई, ये अजीब सा कुछ रिचुअल टाइप लग रहा है मेरे को। ये देखो मतलब एकदम परफेक्ट रिचुअल टाइप में ही बना हुआ है, बस यहाँ पे रेडस्टोन नहीं है, यहाँ पे एक अलग टेक्सचर की वजह से हमको दिख रहा है, बट यहाँ पे कुछ अलग ही है। एंड भाई यहाँ पे एक और फिर बुक है, January 10, 1996 टुडे वी वेयर इन्फॉर्म अबाउट अनदर फेलियर एट द ईटा पता नहीं सब कॉम्प्लेक्स से दैट मशीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग ऑफ सी वायर्स हैज गॉन मैड इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ अवर वेपन्स आर अरेंज देन द एनिमीज विल डू नॉट अंडरस्टैंड टू। यहाँ पे हमारे लिए कुछ और चीज़ें समझाई गई है, मतलब हमारी जो मशीन थी सी वायरस की वो शायद से ख़राब हो गई थी इसके चक्कर में, वो टेस्टिंग के चक्कर में। एंड भाई मतलब वेपन्स की क्या बात हो रही वो भी समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज यार मतलब हमारे वेपन्स है जो कि हमको ही समझ नहीं आ रही, मतलब दूसरे हमारे दुश्मनों को भी समझ नहीं आएंगे। पता नहीं कौन से वेपन्स की बात हो रही है यहाँ पे। फिलहाल के लिए चलो आगे बढ़ते हैं, और भी आगे कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे एक और डोर है, चलो ये भी ओपन हो चुका है। एंड यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, यहाँ पे ट्रैप डोर से इसके अंदर जाना है। यहाँ पे मैंने एक स्विच ऑन कर दिया है जिससे कुछ मतलब नहीं बन रहा। एंड भाई यहाँ के क्लोज, मे बी आई शुड यूज़ वेंट, अरे यार यही इसको ही यूज़ करना है, बस इसके अंदर अभी जाने के लिए दिक्कत होने वाली। चलो अभी इसके अंदर आ तो हम चुके आगे, अब भी आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। पता नहीं यहाँ पे कुछ हॉट टूरिस्ट का हमारा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। ओके भाई हम दूसरी साइड पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे फिर एक बार हमारे लिए बुक है, January 18, 1996 टुडे देयर वॉज अ फेलियर एट द पावर प्लांट ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ सीवी मटेरियल इन द रिएक्टर वी टर्न ऑफ टू स्विचेस एंड रिमूव देम टू द लोअर लेवल्स ऑफ द पावर प्लांट।
मतलब यहाँ पे उस दिन की बात हो रही है 18 जनवरी की, उस दिन इधर क्या हुआ था। तो यहाँ पे और भी कुछ है, डज एनी वन हियर मी, हे अल्फा वन दिस इज स्टेशन GETA 6, डज एनी वन कैन हियर मी। तो यहाँ पे एक रेडियो का मैसेज था, पता नहीं अब क्या था, मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब हमारे लिए ही था, मतलब हमको कोई सुन सकता है। तो यस, हमने कहा कि हम सुन सकते हैं, बट उसके बाद आगे कुछ आया नहीं। तो यहाँ पे सामने एक अल्फा वन लिखा है, शायद से इसी के, पता नहीं मतलब उसके इसका क्या कनेक्शन हो सकता है या नहीं। फिलहाल के यहाँ पे अल्फा वन में हम आ चुके हैं, एंड यहाँ पे शायद से नीचे उतरने की, बिकॉज यहाँ पे स्टेयर्स दी है, तो भाई नीचे आने का रास्ता तो है नहीं, बिकॉज यहाँ पे फेंस लगा है। तो सामने की साइड चलते हैं एंड भाई देखते हैं कहीं पर हम कूद सकते हैं नीचे। ओके, तो शायद से यहाँ पे नीचे कूदना पड़ेगा, बिकॉज कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। एंड भाई हमारे पास सीलिंग की पोशन है जिससे हम हेल्थ भी बढ़ा सकते हैं। सो चलो भाई अब तो जाना पड़ेगा नीचे, कोई ऑप्शन तो है नहीं मेरे को। साइड ओके, इनबॉक्स के ऊपर कूद सकती थी, कम डैमेज पड़ेगा, लेट्स गो। ओके, बढ़िया तरीके से नीचे आ चुके हैं। एंड भाई अभी यहाँ पे कुछ ढूंढना पड़ेगा हमको बाकी की आगे की चीज़ें सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे इसके अंदर एक केमिकल है कोई, तो भाई जिसके अंदर हम गिरे तो भाई शायद से ख़त्म हो सकती है, इसलिए हमको ध्यान देना है। वैसे उसकी हाइट डेड ब्लॉक की, जिसके ऊपर हम नहीं जा सकते, तो अच्छी बात है। फिलहाल के लिए मतलब यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे एक स्टेयर जा रही है ऊपर के लिए, तो चलो देखते हैं इसके ऊपर क्या है। तो बड़ी देर से हम जाते जा रहे हैं, एंड मतलब ऊपर का पैक हो रखा है, अभी क्या करें, मतलब उसको भी खोलना पड़ेगा शायद से, जहाँ तक लग तो रहा है। एंड भाई यहाँ पे भी कुछ है, तो शायद इधर भी जाना पड़ेगा, तो देखते हैं इधर जाने के लिए अभी रास्ता है या नहीं। क्योंकि सामने की साइड हाँ है भाई स्टेयर से, चलो। एंड भाई यहाँ पे एक बैरल, अरे ये बैरल रखी क्यों जो खुलते नहीं है यहाँ पे ओके, स्लोनेस की बुलेट से। अब ये किस क्रिएचर्स को मारने के लिए वो तो मेरे को पता नहीं है, बट है तो सही यहाँ पे। एंड ये स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए दी है, तो इधर की साइड कुछ है या नहीं, आगे की साइड ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे एक और चेस्ट है, यहाँ पे पावर प्लांट स्विच, ओके पावर प्लांट स्विच तो हमें मिल चुका है। एंड भाई मतलब यहाँ पे सामने डोर क्लोज हो रखे हमेशा की तरह, तो चलो अभी पावर प्लांट का स्विच हमें मिल चुका है। एंड अभी आगे की साइड अभी जाके आपको देखना है। अबे क्या, अबे भाग भैंस की, और भाई ये रोबोट था जो कि हमने पिछली बार देखा था, वो अभी हमारे पीछे पड़ चुका है। बट यार ये तो मतलब ऑफ थे ना, मैंने बोला था मतलब एक हाथ ऑन हो कर सकता है, तो हमको भाई अभी अरे ऊपर ओपन नहीं है भाई, अबे भाग, अरे भैंस की, अरे भाई ये मार देगा, अभी ये गलत मार रहा है भाई, ये बहुत तेज है यार, ये नॉर्मल ऐसे तेज है, ये रोबोट है किसी तरह का, जिसको कि इन्होंने मतलब अलग तरह से बिल्ड किया हुआ है। एंड भाई अभी हम सेफ है शायद से, ओके अभी के लिए नहीं मार सकता मैं, तो यहाँ से हमको कोने कोने से ध्यान से आना पड़ेगा, अगर इसने अंदर हम गिर गए तो हमारी कहानी खत्म है भाई, तो थोड़ा देख देख के आगे बढ़ना पड़ेगा अभी के लिए। ओके भाई अभी चलते बाहर की तरफ, हमको यहाँ पे एक स्विच तो मिल चुका है पावर प्लांट का, जो कि कहाँ पे प्लेस करना है वो भी हमको देखना पड़ेगा। अरे यार वही तो प्लेस करना है जहाँ पे वो दरवाजे खुलने रहते, तो यार पिछली बार खुला क्या था यार, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। ओ फाइनली, अबे यार मतलब अभी जाके फाइनली कहीं पे प्लेस हुआ है, मतलब समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ प्लेस करना है। अभी के लिए मतलब कुछ तो खुला होगा, मतलब हमने वो प्लेस कर किया, उसको एक्टिवेट भी कर दिया, कुछ तो हुआ होगा। तो नीचे चल के देखते, जहाँ तक मेरे को लग रहा है वो जो स्टेयर्स का ऊपर का रास्ता था वो तो खुलना चाहिए था, देखते पर यार मतलब वो नहीं है, तो शायद से वो जो डोर्स थे वो खुलने चाहिए। फिलहाल के लिए वो रोबोट दिख नहीं रहा मेरे को कहीं, जो कि मेरे को गंदा मार सकता है, वो शायद पीछे था, इसलिए अभी ढंग से जाना पड़ेगा वरना देख के, बिकॉज यार वो आ गए फिर से, तो इस बार तो वो मार के छोड़ेगा, पिछली बार बाल बाल बच गए थे हम भाई, वो बहुत गंदा मारता है यार। वो देखो सामने सामने देखो देखो आ रहा है भाई, एक तो अंधेरा इतना कि दिखता नहीं यार ढंग से, रुको मेरे तरह से मतलब ये करके रखता हूँ, इसको स्लोनेस का बुलेट मारना है ताकि स्लो हो जाए, बिकॉज उसको हम मार तो नहीं सकते जहाँ तक उसमें ये भाग भागो, अबे वो पीछे ना आ जाए भाई कहीं, यहाँ पे अगर मर जाएंगे भाई ये दरवाजे खुले नहीं है। अरे भाई अबे पीछे आ गए भाई, भागो, अरे भाई धाप भट, अरे भाई गया मैं गया, अरे भाई भाग भाग, अबे यार इधर छुपने के लिए कहीं जगह नहीं है। एंड भाई हम हाफ हड़ बच्चे लिटरली, अभी मेरे को टाइम नहीं है पोशन वगैरह मारने के लिए, अभी के लिए ऊपर से रास्ता खुला है नहीं वो देखते, नहीं खुला अभी तक, इसका मतलब वो आने वाला है हमारे पीछे। एंड भाई मैं पैनिक क्यों कर रहा हूँ, अबे भाई हाथ में पोशन लेना भाई, अरे यार लो वो भाई यही स्पॉन हो गया, लेट्स गो भाई फाइनली, मेरे को लगा मैं कहीं और ना चला जाऊँ, अच्छी बात है हमारे लिए, अभी के लिए हम सेफ है मतलब। एंड भाई मतलब उससे खुला क्या यार, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, लुक्स लाइक वन डेटा इज मिसिंग यार, मतलब एक और बटन चाहिए, वो कहाँ से लाऊं अब मैं।
ओ भाई ओके गाइस, रैंडमली घूमते तो हमको यहाँ पे एक चेस्ट मिली है एंड भाई एक और स्विच मिल चुका है हमें, शायद से अभी कुछ अनलॉक हो सकता है यहाँ पे। चलो जल्दी ऊपर चलते हैं। ओके यहाँ पे हम ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँच चुके हैं एंड यहाँ पे एक स्विच हमको मिल चुका है, शायद से यहाँ पे लगेगा। यस एंड इसको भी हमने एक्टिवेट कर दिया है। अभी कुछ हुआ? ओके ओके कुछ हुआ। द गेट टू द अपर फ्लोर शुड बी अनलॉक नाउ। चलो भाई वो स्टेयर्स के ऊपर जो रास्ता तो अभी खुल चुका है एंड भाई अभी हमके ऊपर जाना है हमारे लिए आशा। अरे यार बस वो रोबोट ना आ जाए मेरे पीछे, वरना भाई वो अलग दिमाग खराब कर देता है, बहुत गंदा मारता है और उसका बहुत डैमेज है। एंड हमारे सीलिंग की पोशन ज़्यादा बची नहीं है इस बार ही के लिए, इसलिए आराम आराम से जाना पड़ेगा। वैसे वो था, अरे ये ऊपर कैसे आ गया भाई? अभी ऊपर क्या कर रहे हैं? अबे भाई ये पागल बंदा ऊपर, अभी और भी ऊपर जा रहे हैं भाई, जहाँ मेरे को जाना है वही जा रही है। चलो एंटी स्लोनिस की यहाँ पे बुलेट मिलती जा रही है हमको, ये एंटी सी वायरस बुलेट से भाई। ये सी वायरस क्या है भाई? कोरोना वायरस ही शायद से यहाँ तक लग रहा है इसको। जब तक अभी तो पता नहीं यहाँ पे क्या है हमको, हम समझ नहीं आ रहा वो तो, जब तक हमको पता नहीं आगे आगे जाएंगे वैसे समझ आ जाएगा ये क्या है। फिलहाल के लिए मेरे को इसको एक बुलेट मारनी पड़ेगी जिससे कि स्लो डाउन हो जाए एंड यहाँ पे इसको हम बुलेट मार देंगे। ओके शायद से स्लो डाउन हो जाएगा अभी के लिए, बस मेरे पीछे। अरे यार भाई ये तो उतना ही तेज यार, अलग बंदा है यार ये, छोड़ो। हमको तो भाई यहाँ पे एक पोशन्स वगैरह मिलती है, मिल रही है। अभी नीचे जाते हैं आराम आराम से, बस यहाँ पे बहुत अंधेरा, कुछ दिख नहीं रहा यार। हो भाई अबे यार भाई यार, मतलब एक बार ये इंसिडेंट हो चुका है हमारे साथ इसलिए इस बार ज़्यादा डर नहीं लगा, इस बार थोड़ा सा प्रिपेयर था वो चीज़ थी उधर। एंड यहाँ पे मतलब काफ़ी सारी यहाँ पे फिर एक बार मास्क थे यहाँ पे, तो भाई उनको भी मतलब क्या ये आर्मर का काम करेगा क्या भाई एक बार इसके? अरे भाई इस पर रेस्पिरेशन 10 लगा है भाई, शायद से यहाँ पे आर्मर का काम कर सकते हैं हमारे लिए या फिर नहीं पता नहीं। इसको उठा के रखता हूँ मैं, पता नहीं मतलब अगर पहन के रखूँ तो शायद से आर्मर का काम करे थोड़ा बहुत, पहन के देख ही लेते यार। चलो भाई लेट्स गो, एक आर्मर दे रहा है हमको ये प्रोटेक्शन का, तो चलो अच्छी बात है हमारे लिए। ऐसे ही चेस्ट प्लेट वगैरह मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। अभी के लिए ऊपर चलते हैं भाई, यहाँ पे स्विच है शायद से डोर ओपन हो जाएगा, लेट्स गो। हो रहा है फिलहाल के लिए, नीचे एक बुक दिखी थी मैंने यहाँ पे, ये भाई मार नहीं रहा। January 1996 It's enslaved one of our defensive scout boats. Be careful when you go outside and don't even try to enter the airlock without a diving mask. चलो भाई अच्छा हुआ हमने वहाँ से मतलब वो उठा लिया डाइविंग मास्क जिसका हमको काम आने ही वाला है आगे के लिए। एंड यहाँ पे इस साइड पे एक नया सा डोर जा रहा है जिसके अंदर भी यहाँ पे कुछ यूजलेस थिंग्स मेरे को दिख रही है जिनका कोई काम नहीं है, मतलब यार फालतू में क्यों बना रहा। चलो कुछ तो काम का मिला। चलो गाइस एक और डोर हमको मिल चुका है एंड इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट मेरे को एक और बुक दिख चुकी है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। January 1996 ड्यू टू द डिजास्टर एट द पावर प्लांट द कन्वेयर बेल्ट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टर्न ऑफ द कन्वेयर। अब यार क्या मतलब भाई कन्वेयर वगैरह मैं क्या करूँ भाई इन सब चीज़ों का, मतलब पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, बट शायद से इसका भी कोई काम आ सकता है। एंड भाई ये फ्रेम वगैरह मैं तोड़ देता हूँ क्योंकि बाद में डर लगता है, जंप स्केयर आ जाता है, पता नहीं क्या है सामने। एक तो हॉरर मैप पे तो अलग डर लगा रहता है कि कुछ है या नहीं। एंड भाई इस साइड भी पे पैक यार ये रूम मतलब एक बुक्स दे पड़ा नहीं है तो ये रूम बना लो उसके लिए यार, उस बाहर ही दे दो यार रूम सॉरी बुक उससे अच्छी। चलो अभी ऊपर की साइड चलते हैं जो कि मेन टास्क है हमारा। एंड यहाँ पे ऊपर से आ चुके, बटन दबा दिया, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है इसलिए। और भाई सामने साइड एक डोर पानी के अंदर में आ चुके कहीं पे। हेलो भाई भाई साहब ऊपर साइड यहाँ पे, अबे ऊपर साइड सन दिख रहा है मेरे को, शायद से हम बाहर नहीं जा सकते भाई। ये बहुत ज़्यादा अलग चीज़ है यार, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें यहाँ से यहाँ पे हो रही है। चलो भाई यहाँ पे आगे बढ़ते धीरे धीरे करके, आगे आगे शायद से जाना है हमें। और भैंस क्या किसने मारा भाई, पागल है क्या? अबे कितने हर्ट्स खा लिए भाई, 4 हर्ट्स बचा हूँ मैं सिर्फ, कौन मारा मेरे को भाई? ये जगह खतरे से खाली नहीं है ये तो बात मेरे को समझ आ चुकी है अभी के लिए, मतलब यहाँ पे देख देख के आगे बढ़ना पड़ेगा, काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें हो सकती है जो कि हमको मारने की ट्राई कर सकती है शायद से। ओके यार इधर की साइड यहाँ पे कुछ है बना हुआ रूम स्ट्रक्चर जैसा, पानी के अंदर यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। एंड भाई इसके अंदर एंटर की कहीं जगह नहीं दिख रही मेरे को, काफ़ी सारे मतलब पैक एरिया है पूरा का पूरा भरा पूरा पड़ा है। एक कोने में पता नहीं यहाँ पे क्या बनना सा रखा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। हमें यहाँ पे शायद से एंट्रेंस ढूंढनी कहीं पे इसके अंदर जाने के लिए जिससे कि हम आगे का काम हमारा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे शायद से इधर से कुछ है कुछ तो है भाई। ओके यार एक चेस्ट है उसके अंदर डायरी है, तो भाई इसको भी अभी पढ़ना पड़ेगा, मतलब कितनी डायरी मिल रही समझ नहीं आ रहा। February 5, 1996 दिस डोर इज जैम नोबडी फ्रॉम
बीटा टू इट्स रिस्पॉन्सिबल, इट लुक्स लाइक द डोर इज रस्टेड बट आई नो अनदर वे टू गेट टू देम, स्टेशन गामा थ्री हैज एन अंडर वाटर टनल लीडिंग टू बीटा टू। ओके, गामा थ्री के पास जैसे अंडर वाटर टनल है जहाँ से हमको बीटा टू के अंदर एंटर करना है। एंड भाई हमारी मतलब सांस फूलती जा रही है धीरे धीरे करके, चार बबल्स बचे सिर्फ, जैसे ये खत्म हो जाएंगे हमको डैमेज पड़ना शुरू हो जाएगा। अभी के लिए हमको गामा थ्री शायद से कहीं पे ढूंढना है जिसके जहाँ पे हमारी इंटरेस्ट है। यहाँ पे कहीं पे अंदर से कुछ एरिया ओपन है जहाँ से हम जा सकते हैं। ओ आउट ऑफ ऑर्डर दैट्स फॉर श्योर। अभी यार ये क्या है, इधर ज़्यादा दिख नहीं रहा एक तो फिलहाल के लिए। यहाँ पे दोनों लाइट साथ में ले लिए मैंने, एंड शायद से यहीं से कहीं पे इंटरेस्ट हो सकती है हमारे लिए, तो भाई देख के जाना पड़ेगा। एक तो अंधेरा है तो ढंग से देखना पड़ेगा। आगे आके आइटम बढ़ते तो जा रहे हैं, बस हमारी मतलब जल्दी से मिल जाए वरना हमारी सांस फूलेगी। एंड भाई यहीं पर हमारी कब्र खुद जाएगी भाई, तो थोड़ा देख देख के आगे बढ़ना पड़ेगा हमको। काफ़ी सारे मतलब दिक्कत की बात हो रही है हमारे लिए जहाँ, क्योंकि हमारे से इंटरेस्ट नहीं बचा है, मेरे सिर्फ एक बबल बचा है। एंड भाई मेरे को अभी तक इंटरेस्ट नहीं मिली है। एंड भाई जब तक इंटरेस्ट नहीं मिलेगी तब तक हमारा खतरा बढ़ता हो जाएगा, बिकॉज हम बहुत दूर स्पॉन हो जाएंगे। एंड उधर से हमको यहाँ पर आने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पड़ जाएंगी। फिर एक बार उधर एक तो बीच पे कहीं पे मेरे पे हमला हुआ था, एंड शायद से हमारा अभी डैमेज पड़ना स्टार्ट हो ही जाएगा, अभी तक तो पड़ा नहीं है। एंड शायद से यहाँ पे इंटरेस्ट है भाई, लेट्स गो, कुछ तो मिला कुछ तो। एंड भाई डैमेज पड़ना स्टार्ट हो चुका है, बस अभी के लिए ओके लेट्स गो, एंट्रेस हमको मिल चुके हैं। अभी शायद से यहीं से आगे बढ़ना है धीरे धीरे करके, धीरे नहीं भाई तेज़ बढ़ना है भाई, बहुत डैमेज पड़ रहा है, मत पड़ भाई। एक तो हर्ट ज़्यादा नहीं बचे, सिर्फ 6 हर्ट्स बचे। एंड यहाँ पे नीचे नहीं ऊपर ही जाना है, ओके चलो ऊपर ही जाना है इधर साइड। ओके गाइस लेट्स गो, ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने कर दिया भाई, लेट्स गो, चलो सांस बच गई भाई, 4 हर्ट्स पे हम बच चुके हैं यहाँ पे। एंड भाई यहाँ पे हम नई जगह पे आ चुके हैं। February 5, 1996 वी वेर टेस्टेड सी वायरस फॉर वाटर स्प्रेड वंस अगेन, दिस टाइम द रिजल्ट आर सिंपली अमेजिंग, इट्स स्प्रेडिंग लाइक अ लाइटनिंग इंपैक्टिंग बोथ ह्यूमंस एंड रोबोट्स। भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा क्यों भाई ये सी वायरस का झोल माल कर रहे हैं ये लोग। एक तो ये इन्फेक्ट कर रहा है ह्यूमंस को भी और रोबोट्स को भी, जो कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, जिससे मतलब कोरोना वायरस टाइप का ही है कुछ, पर अभी तक हमको समझ नहीं आ रहा है डिटेल में कि ये क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पे काफ़ी सारी मशीन्स है, एंड यहाँ पे हम कहीं और दूसरी जगह पे आ चुके हैं। ये मतलब इतना सीक्रेटली इसको मतलब टेस्ट वगैरह कर रहे थे जिसके वजह से पे फंस चुके हैं। दिस वेंट इज क्लोज, तो चलो भाई इसको ओपन करना पड़ेगा अभी के लिए, तो उसके लिए भी अभी कुछ ढूंढना पड़ेगा। बीटा टू, ओके मेरे को दिख चुका है लेफ्ट साइड पे था। एंड यहाँ पे क्या है भाई, रेडियो रूम, रेडियो रूम में एक और बुक है भाई, इसको भी पढ़ना पड़ेगा जाके अभी के लिए, इसके ऊपर तो कुछ है नहीं। एंड भाई इधर दूसरा भी कुछ है नहीं, ओके कुछ है। हेलो हाँ आई सी यू अराइव, ग्रेट, लिसन आई नो वॉट हैपन, देर वॉज अ सीरियस स्प्रेड ऑफ द सी वायरस, मे बी यू आर अवे यार, ओके मे बी योर जनरल एलिमो इज बिहाइंड दिस, ही इज नाउ ट्राइंग टू गेट रीड ऑफ मी एंड माई फ्रेंड्स इन सब कॉम्प्लेक्स ईटा 7, प्लीज हेल्प अस। यार इनको जनरल एलिमो के बारे में कैसे पता है, एग्जैक्टली यही हमने पूछा है, हाउ डू यू नो जनरल एलिमो। एंड इसके बाद हमने पूछा है हाउ टू गेट टू ईटा 7, द ईटा कॉम्प्लेक्स इज वेरी डीप अंडर वाटर, बस यू नीड टू गेट टू द डेल्टा 4 सबस्टेशन, देयर इज एन एलिवेटर टू ईटा, डोंट इवन ट्राई टू गेट डाउन without an elevator the pressure will kill you. How to get the delta 4 then, is there is anything dangerous, what's inside the living rooms, probably that creatures created by sea virus still roams maintenance and servers, it hears well but only focus on light, use flashlight to distract him, kisko distract karne ke liye pata nahi bhai, chalo ओके गाइस, तो चलो भाई इसके आगे मिस्ट्री हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलता हूँ उस पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड बाय बाय।